हेलो गाइज, वेलकम आपको एथिकल हैकिंग के इस बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल में। सो गाइज, हम डेटा गैदरिंग को स्टडी कर रहे थे और हमने हैकिंग का पहला फेज, जहां से हैकिंग स्टार्ट होती है, यानी कि फुटप्रिंटिंग को स्टडी कर लिया था। और आज के इस वीडियो में हम फुटप्रिंटिंग के बाद का स्टेप, यानी कि स्कैनिंग के बारे में जानने वाले हैं कि स्कैनिंग क्या होता है, स्कैनिंग किस तरह से की जाती है और स्कैनिंग का पूरा प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है। सो गाइस, किसी भी हैकिंग में या पेनिट्रेशन टेस्टिंग में स्कैनिंग फुटप्रिंटिंग के बाद का फेज होता है। स्कैनिंग के प्रोसेस में टारगेट के पूरे नेटवर्क को स्कैन करते हैं और हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, जैसे कि टारगेट कंप्यूटर में कौन कौन सी ओपन पोर्ट्स हैं या टारगेट सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं, उन सर्विसेज के वर्जन कौन से हैं और टारगेट सिस्टम ने अपनी सर्विसेज को अपडेट रखा हुआ है या नहीं और टारगेट सिस्टम का सबसे वीक पॉइंट कौन सा है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम इसी स्कैनिंग के प्रोसेस को कम्प्लीटली तौर पर जानने वाले हैं। सो गाइज, मेरा नाम है अमून भट्टी और आप देख रहे हैं टेक्निकल हारून यूट्यूब चैनल। चलिए तो गाइज, लेट गेट स्टार्टेड। गाइज, अगर हैकिंग में स्कैनिंग की डेफिनेशन को देखा जाए तो स्कैनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टारगेट के नेटवर्क और टारगेट के सिस्टम को स्कैन करके हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन को हासिल किया जाता है और बाद में उसी इंफॉर्मेशन को टारगेट के खिलाफ यूज़ किया जाता है। स्कैनिंग हैकिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फेज है। फुटप्रिंटिंग करके हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए हमें यहाँ पर स्कैनिंग का प्रोसेस करना ही पड़ता है। अब स्कैनिंग में हम टारगेट नेटवर्क को स्कैन करते हैं। अब वो टारगेट की वेबसाइट भी हो सकती है, एक वेब बेस्ड प्रोग्राम भी हो सकता है, या टारगेट का नेटवर्क भी हो सकता है, या टारगेट का कंप्यूटर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। अब गाइस, स्कैनिंग दो तरह से की जाती है, पहली मैनुअल और दूसरी ऑटोमेटेड टूल्स का यूज़ करके। अब मैनुअल स्कैनिंग में हैकर खुद टारगेट के पूरे नेटवर्क सिस्टम या टारगेट की वेबसाइट को स्कैन करता है और टारगेट की हर ओपन पोर्ट का पता लगाता है। अब ये पोर्ट्स क्या होती हैं? अब गाइस, पोर्ट किसी भी कंप्यूटर या किसी भी नेटवर्क या सिस्टम के अंदर एक कम्युनिकेशन पॉइंट होता है और इसी पोर्ट के थ्रू ही डाटा सेंड और रिसीव होता है। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो लेट्स सपोज एक बहुत ही बड़ा घर है। अब अगर किसी शख्स को उस घर के अंदर या बाहर आना या जाना है तो वो दरवाजे का यूज करेगा। इसी तरह से हर डिवाइस के अंदर, हर नेटवर्क के अंदर कुछ इसी तरह के रास्ते होते हैं जिनसे कोई भी शख्स अंदर और बाहर आ जा सकता है। और जब एक हैकर नेटवर्क स्कैनिंग कर रहा होता है तो वो बस इन्हीं दरवाज़ों का पता लगाता है कि एक विक्टिम के नेटवर्क के अंदर कौन कौन से दरवाजे खुले हुए हैं और हैकर के लिए कौन सा दरवाज़ा अंदर और बाहर आने जाने के लिए सबसे बेहतर रहेगा। तो स्कैनिंग में एक हैकर सबसे पहले इन्हीं ओपन पोर्ट्स का पता लगाता है। अब एक सिस्टम के अंदर टोटली 65,535 पोर्ट्स होती हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक हैकर के लिए कितने सारे रास्ते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर घुसने के लिए। फिर हैकर स्कैनिंग के दूसरे स्टेप्स में ये पता लगाता है कि टारगेटेड सिस्टम में कौन कौन सी सर्विसेज रन हैं और टारगेट के डिवाइस से रिलेटेड हर पॉसिबल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, जैसे कि टारगेट कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, वर्जन कौन सा है, कौन कौन सी सर्विसेज रन हो रही हैं। अब जैसे ही हैकर विक्टिम की डिवाइस में रन होने वाली सर्विसेज के वर्जन्स का पता लगाता है तो यहाँ पर स्कैनिंग का हाफ प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट फेज में हैकर ये देखेगा कि टारगेट जो सर्विसेज यूज़ कर रहा है उनके वर्जन अपडेटेड हैं या नहीं। अब गाइस, 90% लोग ऐसे हैं जो कि चीज़ों को अपडेट नहीं करते हैं और ये तो सभी को पता है कि जब कोई नई चीज़ या अपडेटेड चीज़ आती है तो इसका मतलब ये होता है कि पुराने वर्जन में कोई खामी रह गई थी। अब जैसे ही हैकर टारगेटेड सिस्टम में मौजूद रन होने वाली सर्विसेज के वर्जन्स का पता लगा लेता है तो हैकर उन नॉन अपडेटेड वर्जन्स के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और कोई ऐसा बग फाइंड करता है जिससे कि विक्टिम को प्रॉपर तौर पर हैक किया जा सके। अब यहाँ पर इसीलिए कहा जाता है कि अपने सिस्टम्स को अपडेट रखें, तो स्कैनिंग का कंप्लीट प्रोसेस कुछ इसी तरह से काम करता है। अब गाइज, एक दूसरी टाइप की स्कैनिंग भी होती है जो कि ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू की जाती है, यानी कि एक स्कैनिंग का ऑटोमेटेड टूल लिया और प्रॉपर तौर पर एक सिस्टम को स्कैनिंग पर लगा दिया। और बकायदा इन ऑटोमेटेड स्कैनिंग टूल्स में हम कस्टमाइजेशन भी कर सकते हैं कि एक नेटवर्क को या एक वेबसाइट को इतना स्कैन करना है, और इन ऑटोमेटेड टूल्स के थ्रू हम हर तरह की एडवांस स्कैनिंग भी कर सकते हैं और ये टूल खुद ही प्रॉपर तौर पर स्कैनिंग करके हर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि टारगेटेड सिस्टम में ये खामी है और इस खामी के थ्रू टारगेट सिस्टम को हाई रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो आई होप गाइज, यहाँ तक आपको स्कैनिंग के प्रोसेस के बारे में प्रॉपर तौर पर आइडिया हो चुका होगा। अब गाइज, स्कैनिंग का प्रोसेस इतना भी आसान नहीं होता है, क्योंकि हैकर जब किसी टारगेटेड सिस्टम को स्कैन कर रहा होता है
तो बहुत सारे पैकेट सेंड और रिसीव हो रहे होते हैं। तो अगर टारगेटेड सिस्टम को ये पता चल जाए कि कोई शख्स उनके नेटवर्क को स्कैन कर रहा है और अचानक से बहुत सारे पैकेट्स भेजे जा रहे हैं और रिसीव किए जा रहे हैं, तो वो टारगेटेड सिस्टम हैकर की आईपी को बैन कर सकता है, जिससे हैकर उस टारगेटेड सिस्टम में अगेन इंटर ही नहीं होगा। और अगेन टारगेट सिस्टम उन पोर्ट्स को बंद कर सकता है जहां से हैकर घुसा था। अब गाइस, वैसे तो नेटवर्क स्कैनिंग के लिए हैकर डिफरेंट किस्म के हैकिंग टूल्स का यूज करते हैं, बट यहां पर मैं कुछ फेमस नेटवर्क स्कैनिंग टूल्स के बारे में आपको बता देता हूं। ज्यादातर एनमैप, वायरशार्क, एडवांस आईपी स्कैनर, ओपन वीएएस, इंट्रूडर और स्काईबॉट सिक्योरिटी, इसके अलावा स्पीसवर्क आईपी स्कैनर और एंगर आईपी स्कैनर और भी बहुत सारे स्कैनिंग के टूल्स का यूज किया जाता है। सो आई होप गाइज आज की स्कैनिंग की वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित रही होगी और इस वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जानने को जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे एथिकल हैकिंग की इस बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल की नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।